हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग सही होंगे एंड हेल्दी होंगे। मैंने बताया था आपको कि मैंने दो कैट के बेबी लिए हुए हैं और उनके बारे में मैं अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी। मेरा पिंपल, हाँ सॉरी, मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। आज का अपडेट ये है कि मैं दिखाना चाह रही हूँ कि रियो कैसे सो रही है और टोक्यो थोड़ा सा गद्दे के अंदर है क्योंकि उनको बहुत ठंड लग रही है। आज बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो अभी तक तो रियो अंदर ही था, तो अभी थोड़ी देर में वो बाहर आ जाएगा। तब तक मैं आपको मिलाती हूँ रियो से। ये देखो, इसके सोने का तरीका ऐसा है, देखो है ना स्वीट। सॉरी, ये रियो है, अंदर टोक्यो है। ये देखो, ये टोक्यो है और इसका सोने का ये है। देखो, मैंने बताया था ना आपको, ये यहीं पर ही सोते हैं। इन्हें अगर मैं साइड करने की भी कोशिश करूँगी, कभी नहीं होते साइड। उठते हैं, फिर जाते हैं, अपना खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद फिर वापस यहीं आते हैं। और कभी कभी तो रात के 11-12 बजे दोनों लड़ते हैं। कल एक्चुअली क्या हुआ, ये दोनों कभी अलग नहीं होते हैं। तो जब अगर एक यहाँ होगा तो ऑब्वियसली दूसरा भी साथ में आता ही आता है, ठीक है? तो कभी अलग नहीं होते। और जब इनकी फाइटिंग होती है दोनों की, बेचारी मेरी रियो टोक्यो उसको बहुत मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है, बहुत ज़्यादा। ये टोक्यो कुछ करती ही नहीं है। हम लड़कियाँ बहुत सीधी सादी होती हैं ना, इसीलिए तो जब इनकी लड़ाई होती है तो रियो हार जाती है टोक्यो से। हाँ, तो क्या होता है, ये लोग बोलते नहीं हैं, ठीक है, आपस में। इनके भयंकर पंगे हुए रहते हैं। एक क्या हो, एक इधर पे आके ये सो गया था, यहाँ पर आके ये सो गया, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा इनके साथ रह रहे कि मुझे इनकी थोड़ी सी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो चीज़ों को मैं एब्जॉर्ब करने लग गई हूँ। तो थोड़ा आइडिया लगा लेती हूँ कि क्या हुआ होगा करके। और इन दोनों की लड़ाई हुई होती है और ये दोनों बोलते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं बोलते। फिर थोड़ी देर बाद फिर एक हो जाते हैं। बचपना हर किसी का एक जैसा होता है ना। ये देखो, बट्टा छोट, जब से ये दोनों आए हैं मेरी लाइफ इतनी, मतलब जो बोरिंग थी, बहुत अच्छी हो गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि मतलब इनके आने से मुझे कुछ नहीं, कोई नहीं चाहिए, ना मेरे हस्बैंड चाहिए, ना मुझे कुछ, ना मुझे, इनफैक्ट मुझे खाना भी नहीं चाहिए। जब सबसे पहले इनके लिए खाना दिया जाता है, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को खाना देती हूँ और मुझसे कहते हैं कि इन दोनों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। क्योंकि ये दोनों, वो डरते हैं तो ये क्या करते हैं, गद्दे के ऊपर खेलते हैं ना, तो खेलते हैं तो वो डर जाते हैं। तो क्या हुआ, एक बार मैंने कहा जाकर बाहर सो जाओ हॉल में, ठीक है। तो अब क्या करते, बेचारे को नींद आई हुई थी। तो अब ये दोनों तो खेल, मैंने कहते मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना था तुम जाओ। तो कह रहे हाँ ये बड़ा अच्छा है, ये वो, सो जानवरों को ये इम्पोर्टेंस दी गई हुई है और मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई हुई है। मैंने कहा तुम्हें सोना है तो यहाँ पर सो बच्चों के साथ, और हर बचपना हर किसी का एक जैसा ही होता है। तो मजबूरी में बाहर के हॉल में जाके सो गए ये रात भर खेलते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते, खेलते हैं, खाते हैं, सो जाते। अब मैं उनसे क्या बोलूं, बच्चे तो है ना यार ये देखो ना, मैं इतने क्यूट बच्चे को कुछ बोलूं? एक बार खाई थी, मेरे हाथ से मारी इसने बहुत ज़्यादा, चुन्ना चुन्ना सा। मैंने खाना दिया था, मैं दोनों को
अलग अलग देती हूँ, बट वो क्या है उसके खाने में नियत मार रहा था, तो मैंने हल्के से चिट कर दिया। मुझसे फिर थोड़ी देर तो मेरे पास आया ही नहीं, बट ये कि मेरे पास ही आते, उनके पास तो जाते ही नहीं है, शक्ल ही नहीं देखते। जैसे अगर खाना खाते समय बैठे कहेंगे यही है वो गंदा सा इंसान जो हमें हट हट करता है, मम्मा ही है जो मुझसे बहुत प्यार करती है। बाकी अपडेट मैं आपको देते रहूँगी कुछ टाइम बाद, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, सो बाय। एक लास्ट बार आप देख लो, दिस इज़ अ रियो टोक्यो, बाय।